Seriously? Yeah. Center camera. This is the center camera. Really? ये कलेक्शन देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी मैंने थोड़ा ऊपर से देखा बिकॉज़ आप यू ऑल हैव सीन. मैं भी अभी एंटर की हूँ एंड वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर हर दिस कलेक्शन. मनाली इज़ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसने मुझे जब कलेक्शन के बारे में बताया था द बेस्ट थिंग अबाउट MVS ज्वेलरी के लिए यू कैन चूज योर ओन ज्वेलरी. यू कैन ऑल्सो टेल दैम वॉट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर एंड इट्स वेरी ट्रेंडिंग. दिस इज समथिंग आपको पोलकी और सब में तो मिल ही जाता है बट कोई कोई ऐसी होती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट MVS ज्वेलरी इज लाइक वैन यू कम एंड बाई इट योर डायमंड्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है. सो वैन यू बाय अ डायमंड यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर दैट के अच्छा ओके एंड सर्टिफिकेट स्पेशली देना पड़ता है. सो येस दे प्रोवाइड एवरी थिंग विद दैट. द डिज़ाइन इज माइंड ब्लोइंग. Only if you're wearing a earring or ring or only a diamond set, I think it will enhance and itna elegant lagta hai pehenne ke baad. All the girls they also feel that very special. Because last year maine bola tha ki mujhe kuch bahut different sa chahiye. So maine ek jaguar ki ring banayi thi aur mujhe itni achhi lagi thi. It was very different collection. मुझे बहुत सिंपल बिकॉज मेरे डे टू डे की रूटीन में मैं इतनी सारी ज्वेलरी पहनती हूँ तो मुझे बहुत सिंपल बट एट द सेम टाइम आउटस्टैंडिंग ज्वेलरी चाहिए होती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है. सो अकॉर्डिंगली शी गिव्स मी नाइस हैवी ईयरिंग विद अ नाइस रिंग. मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे सिर्फ एक रिंग का शौक है. मुझे ज़्यादातर स्टड हल्के पुल्के ईयरिंग्स या रिंग का शौक है. सो जब मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था एंड देन शी गिफ्टेड मी जैगवार का रिंग एंड नाइस फाइन ईयरिंग विच इज़ दैट कफ नहीं होते कान के ऊपर आते हैं वैसे विच इज़ वेरी इन कि आप ईयरिंग्स के पीछे एक और स्टड डाल के यू कैन वेयर इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. सो मुझे वो भी बना के दें एंड अभी तो दिवाली भी आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई ज्वेलरी. तो मैं स्पेशली अपना शूट वूट ख़त्म करके सिंधु बंदों के साथ आई हूँ एंड जस्ट घुसी हूँ एंड आई लव वन. एक बड़ी सी ज्वेलरी है जो फ्लावर टाइप है एंड विच इज़ लाइक वेरी डोमिनेटिंग. तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा एंड आई लव टू गो एंड सी इट. ओके ड्रेसेस की बात करें तो आपका क्या डिफरेंट होता है दिवाली में? ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस में तो बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं बट आई लाइक टू प्ले विद कलर्स एंड कलर्स मुझे ऐसे लगता है दैट आधा काम तो कलर विल ओनली डू इट. नॉर्मली आप वाइट या ब्लैक या प्लेन जाना पसंद करते हैं बट आई लाइक वेयरिंग डिफरेंट पर्पल एंड ऑरेंज और लेमन येलो जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं. ऑल द व्यूवर्स आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली प्रॉस्परस दिवाली एंड क्रैकर्स जलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है. हमारे घर में भी डॉग्स हैं उन्हें भी तकलीफ होती है एंड एक्चुअली आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए. सो हैप्पी दिवाली. थैंक यू.
Thank you very much. MG, 1 second. वो गलत ही करके गलत ही कह रहे हैं ना।